अगली खबर का रुख करते हैं। बृजभूषण चरण सिंह और पहलवानों के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। आज हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में सर्व खाप पंचायत होने जा रही है। इस पंचायत में देशभर की खाप को बुलाया गया है। पंचायत में महिला संगठन और किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में 125 लोगों को गवाह बनाया है और अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज हो गए हैं। गवाह जगबीर सिंह ने बृजभूषण चरण सिंह को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चरण सिंह को 2013 और 2022 में दोबारा महिला पहलवानों के गलत टच करते हुए उन्होंने देखा। अब इंतजार है कि 15 जून को जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी तो उसमें किन किन बातों का मेंशन होता है। हालांकि जिस नाबालिग ने आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह पर, कल ही उसके पिता ने उन आरोपों को गलत कह दिया था और कहा था कि बदले की भावना से उन्होंने ये गलत आरोप शरण सिंह पर लगाए थे। चित्त हुआ कुश्ती का बाहुबली। अब से ये बृजभूषण आया है तो इन्होंने एक स्पेशल मेट लड़कियों के कर दिया कि जो जहां मेरी स्टेज लगेगी उसके सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी। सबसे बड़ी गवाही ने खोली पोल। जान पूछ के जहां लड़कियां रुकी हुई थी जिस होटल में, उस होटल में कमरा लिया। 15 जून डेडलाइन, कौन हटा कौन डटा। सात दिन पहले तक चीख चीख कर खुद को बेगुनाह बताने वाले बृजभूषण खामोश हैं। कौन क्या कह रहा है मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। आरोपों का सबूत लाने पर सरयू में कूद जाने वाले बाहुबली बृजभूषण सिंह सवालों से भाग रहे हैं। कैमरे के सामने सरयू में कूदकर जान देने की बात करने वाले बृजभूषण अब शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। भारतीय कुश्ती संघ के बाहुबली बृजभूषण सिंह की पोल धीरे धीरे खुल रही है। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच की डेडलाइन पास आ रही है, बृजभूषण सिंह की मुश्किलें उतनी ही तेजी से बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि अब एक ऐसे शख्स की गवाही सामने आ गई है जिसे बृजभूषण सिंह भी झुठला नहीं पाएंगे। आज पहलवानों के समर्थन में सोनीपत की सर छोटूराम धर्मशाला में सर्व खाप पंचायत होने जा रही है। इस पंचायत में देश भर की खाप पंचायतें शामिल हो रही हैं। वहीं 15 जून की डेडलाइन पास आते ही महिला पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम महिला पहलवानों को बृजभूषण सिंह के दफ्तर लेकर गई। इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही महिला पहलवान से सवाल पूछे। जिस वक्त महिला पहलवान को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम बृजभूषण सिंह के घर पहुंची, उस वक्त बृजभूषण सिंह अपने घर में ही थे। दिल्ली पुलिस के सेक्शन पर पहलवानों ने सवाल उठाए। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ट्वीट करके लिखा, झूठा प्रचार ही बृजभूषण की ताकत है। वो लगातार झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहे हैं। इधर पहलवानों ने सवाल उठाए तो दिल्ली पुलिस ने भी सोशल मीडिया से ही सफाई दी। कहा कि दिल्ली पुलिस आरोपों को वेरीफाई करने के लिए गई थी, जगह की पहचान कराने के लिए रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस गई थी। दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि वो रेसलर को लेकर रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में गई थी, लेकिन पुलिस ये छुपा रही है कि रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बृजभूषण शरण सिंह के घर के कंपाउंड में ही है। जब बृजभूषण सिंह से पुलिस के आने के बारे में पूछा गया तो वो बोले, मैं तो सो रहा था। क्या हुआ सर? पुलिस आई थी? हम तो कमरे में सो रहे थे भाई। सर क्या कोई सर क्या कोई रजिस्टर भी आए थे सर आपके पास? हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास कोई नहीं आया था पुलिस सर। किस महिला पहलवान लेके आए थे सर? महिला पहलवान।
ब्रजभूषण सिंह भले ही दिल्ली पुलिस के आने के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ जिन 125 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, उनमें से एक इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने पहलवानों के आरोपों को पुख्ता करार दिया है। जगबीर सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के साथ अश्लील हरकत करते देखा। 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। उसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा, जिसमें प्रेसिडेंट और वह जो आए हुए मेहमान होते हैं और सभी पहलवान जो खिलाड़ी उस दिन चुने जाते हैं, वो और ऑफिशियल टीम, वो खड़े होकर फोटो खिंचवाती है। तो उस फोटो में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो एक बड़े वजन की खिलाड़ी थी, वो प्रेसिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी, जो हमारा चीफ कोच था उनके बीच में खड़ी थी। वहां से वो छटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जहां लड़की को नहीं छूना चाहिए उस लड़की को वहां से छुआ, हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पे जाके बैठी थी। थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर प्रेसिडेंट गए हुए थे, तो वहां पर बच्चों की डिमांड लगा लो या इनका स्वार्थ लगा लो। अब वो आज घटना ये महसूस हो रही है कि वो बच्चों की डिमांड नहीं थी, इनका स्वार्थ था। इन्होंने कहा कि भाई आज सब बच्चों को, सब कॉन्टिनेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे और वो इंडियन फूड के बहाने जो इनके ये खुद था और इनके साथी थे, उन्होंने फुल ड्रिंक की और उसके बाद जब डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं छोड़ना चाहिए, उस तरह की हरकतें उसमें हुई, ये फुल नशे में था। ये 2013 पुकेट थाईलैंड की घटना है। जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने दो बड़ी गवाही दी है। साल 2013 फुकेट थाईलैंड की घटना है, जहां ब्रजभूषण सिंह ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप के दौरान डिनर के बाद गलत टच किया। वहीं दूसरी घटना साल 2022 लखनऊ की है, जहां सीनियर एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में फोटो सेशन के दौरान गलत टच किया। जगबीर सिंह ने दिन, तारीख, शहर और मौका सब बता दिया कि ब्रजभूषण सिंह ने किस महिला पहलवान के साथ कैसी हरकत की। जगबीर सिंह ने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। जब से ये ब्रजभूषण आया है तो इन्होंने एक स्पेशल मैट लड़कियों के कर दिया कि जब जहां मेरी स्टेज लगेगी उसके सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी, वो चाहे अंडर 17 की हो, चाहे अंडर 20 की हो, चाहे अंडर 23 की हो, चाहे सीनियर की बाउट हो, इसकी स्टेज के सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी। लेकिन उन्होंने जान पूछ के जहां लड़कियां रुकी हुई थी जिस होटल में, उस होटल में कमरा लिया और सुबह मैट पर, क्योंकि अब दूर उसमें ना जा करके बच्चों के लिए जब 5-star होटल होते हैं तो उनमें बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसी में एक मैट लगा रखा था, तो ये मैट पे प्रैक्टिस करवा रहा था। तो वहाँ पे हमारी एक हंसी भी हुई, वहाँ दूसरे जो और वर्ल्ड से जो रेफरीज आए हुए थे उन्होंने कहा ए इंडियन प्रेसिडेंट फाइट गर्ल्स, तो ऐसे हमारी हंसी भी उड़ी। जगबीर सिंह 2007 से इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी हैं। 2013 में थाईलैंड के फुकेट में रेफरी के तौर पर मौजूद थे, लखनऊ ट्रायल में टेक्निकल अफसर के तौर पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के सामने जगबीर सिंह ने गवाही दी है। दिल्ली पुलिस के 125 गवाहों में से एक जगबीर सिंह भी हैं। जगबीर सिंह ने जो कुछ इंडिया टीवी के सामने खुलासा किया वो ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब सभी को इंतजार है 15 जून का, जब दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।